हेलो फ्रेंड, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज से मैं HTML पर कंप्लीट कोर्स लेकर आने वाला हूं। इसमें मैं आपको बेसिक टू एडवांस A to Z बताऊंगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन टू HTML। तो फ्रेंड, यहां पर आप देख सकते हैं व्हाट इज़ HTML। HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये एक मार्कअप लैंग्वेज है फ्रेंड, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर साफ साफ क्लियर लिखा हुआ है, HTML is not a programming language, it is a markup language। तो अब हम बात कर लेते हैं HTML को हम विजुअल स्टूडियो कोड पे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पर फाइल पे आ जाना है, और यहाँ पर हमें न्यू फाइल पे आना है, और फिर अगेन हमें फाइल पे आना है, और यहाँ पर हमें सेव एस पे आ जाना है। तो जैसे आप यहाँ सेव एस पे आएंगे, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी लोकेशन कि आप ये फाइल को किधर सेव कर सकते हैं। तो मैं इसे डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ। कम्प्लीटली लर्न HTML नाम का मैंने एक फोल्डर क्रिएट करके रखा है, तो मैं इसी के अंदर सेव कर लेता हूँ। और यहाँ पर आप फाइल नेम में फाइल का नाम देंगे, तो मैं यहाँ पर फाइल का नाम दे देता हूँ कम्प्लीटली लर्न HTML। और फ्रेंड, यहाँ पर आप जैसे ही नाम दे देंगे, आपने यहाँ पर सेव एज अ टाइप पर आना है। यहाँ पर आपने जस्ट क्लिक करना है, इग्नोर के ऊपर ही HTML लिखा हुआ है, आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है, और आपने यहाँ सिंपली सेव कर देने। फ्रेंड, ये देख सकते हैं HTML का आइकन आ गया यहाँ पर। इसका मतलब यानी कि हमारे पास जो HTML की एक्सटेंशन है वो सेव हो चुकी है। मैं आपको फोल्डर ओपन करके भी दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं मैंने इसी नाम से सेव किया था, कम्प्लीटली लर्न HTML। अब इसमें मैं राइट क्लिक करता हूँ, इसकी प्रॉपर्टीज में आ जाते हैं। ये आप देख सकते हैं फाइल का कंप्लीट नाम कम्प्लीटली लर्न HTML.html। तो फ्रेंड, मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ ये इसमें .html काम क्या करता है। ये देख सकते हैं नाम कम्प्लीटली लर्न HTML.html, बीच में जो डॉट आ रहा है ना, ये डॉट से ही फाइल का नाम पता चलता है। आपने अगर डॉट के बाद HTML लगा दिया ना, तो ये HTML फाइल क्रिएट कर देगा। मैं आपको एक दूसरे तरीके से भी HTML फाइल क्रिएट करके दिखाता हूँ, फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। तो हम यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, न्यू पे आते हैं। न्यू पे आने के बाद हम यहाँ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे आ जाते हैं। अब इस डॉक्यूमेंट फाइल को हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं। अब फ्रेंड, हम यहाँ पर फाइल पे आएंगे, और यहाँ पर सेव एस पे आना है आपको। सेव एस पर आने के बाद तो मैंने इसे यहाँ पे न्यू नाम दे दिया, और इसके बाद फ्रेंड आपको डॉट लगा के HTML लगा देना है यहाँ पर। ये देखे फ्रेंड, मैंने डॉट लगा दिया, फिर HTML लगा दिया। ये देख सकते हैं फाइल नेम न्यू .html। बस आपको इतना सा काम करना है, इसे सेव कर देना है। .html आपने इसी वजह से लगाया था कि ये ब्राउज़र फाइल हो जाएगी, HTML की फाइल बन जाएगी। तो ये जो हमने न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्रिएट किया था, ये अब हमारे लिए एक्स्ट्रा हो गया, इसे हम चाहे तो डिलीट भी कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, हम आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपको फाइल सेव करना सिखा दिए। फ्रेंड, अब आपको यहाँ पर एक्सप्लेनेशन मार्क टाइप करना है, शिफ्ट प्रेस 1 आपने प्रेस करना है, एक्सप्लेनेशन मार्क आ जाएगा। तो आपने यहाँ पर सिंपली इंटर प्रेस करना है। जैसे ही आप यहाँ पर इंटर प्रेस करेंगे, HTML का पहले से विजुअल स्टूडियो में बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट किया हुआ कोड आ जाएगा आपके पास। आपने फ्रेंड यहाँ पर सिंपली जो भी वर्क करना है, वो आपने बॉडी में वर्क करना है। आपको यहाँ सिंपली क्या क्या काम करना है बॉडी के बाहर, वो मैं आपको बता दूंगा अभी। तो फ्रेंड, मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पे ये कैसे आया। तो फ्रेंड, मैं यहाँ पर आपको अभी समझा देता हूँ ये डॉक टाइप HTML क्या काम करते है। HTML लैंग इज इक्वल टू ENG क्या चीज़ है, हेड क्या है, मेटा कैरसेक्ट क्या है, ये UTF-8 के है, ये सब के बारे में मैं अभी आपको थोड़ी देर तक क्या बताता हूँ। तो फ्रेंड, यहाँ पर आप जो डॉक टाइप देख रहे हैं, ये डॉक टाइप HTML 5 में क्रिएट किया गया था। तो यहाँ पर आप HTML लैंग देख रहे होंगे फ्रेंड, ये लैंग नहीं है, ये लैंग्वेज है असल में। ये लैंग्वेज इज इक्वल टू इंग्लिश, आप यहाँ चाहे तो उर्दू भी कर सकते हैं, आप यहाँ चाहे तो हिंदी भी कर सकते हैं। तो ठीक हो गया फ्रेंड, HTML लैंग्वेज इज इक्वल टू इंग्लिश। तो फ्रेंड, ये यहाँ पर हेड जो है, हेड में हमें ये सब बताना पड़ता है मेटा टैग के बारे में। मेटा टैग क्या काम करता है वो भी मैं आपको अभी बताता हूँ। यहाँ पर हमें टाइटल भी देना पड़ता है, और हेड के अंदर फ्रेंड आपको जो भी लिंक करना है, आपको हेड के अंदर ही लिंक करना पड़ता है। सिर्फ जो जावास्क्रिप्ट की फाइलें होती हैं, वो आपको बॉडी के बाद लिंक करनी पड़ती है।
अगर आप यहाँ पर CSS की फ़ाइल को लिंक करना चाहते हैं वो आप हेड के अंदर लिंक करेंगे। अच्छा तो फ्रेंड मैंने आपको यहाँ पे डॉक टाइप HTML का बता दिया, HTML लैंग्वेज इंग्लिश का बता दिया और इसके बाद मैंने आपको हेड का बता दिया। तो फ्रेंड HTML में मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, HTML में जो टैग ओपन होता है वो टैग क्लोज भी होता है। अच्छा इसमें कुछ टैग ऐसे होते हैं कि जो ओपन होते हैं लेकिन क्लोज नहीं होते, उसमें क्लोजिंग टैग नहीं होता, ओपन टैग होता है इसमें। तो इसमें देख सकते हैं आप HTML टैग है, HTML टैग एक ऐसा टैग है कि जो ओपन भी होता है और क्लोज भी होता है। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे HTML, यहाँ पर HTML लिखा हुआ है, इसके बाद लैंग्वेज इंग्लिश लिखा हुआ है, ठीक है, ये यहाँ पर क्लोज हो गया। और यहाँ पर इसका क्लोजिंग टैग भी है, क्लोजिंग टैग हमेशा स्लैश से पहचाना जाता है, ठीक है, जिसमें स्लैश होगा उसमें समझ लें आप ये क्लोजिंग टैग है। तो अब ये देख सकते हैं आप यहाँ पर ये बॉडी टैग है, बॉडी टैग ओपन होता है और ये यहाँ पर नीचे क्लोज भी हुआ है, बीच में स्पेस है एक लाइन का। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं आप हेड टैग है, हेड टैग ओपन भी हुआ, यहाँ नीचे क्लोज भी हुआ है, ये क्लोज हो गया, ये यहाँ पर ओपन हो चुका है, ये यहाँ पर ओपन टैग है हेड टैग। तो इसमें आप ये देख सकते हैं मेटा टैग है, मेटा टैग ओपन हुआ है लेकिन इसका यहाँ क्लोजिंग टैग कुछ भी नहीं है। ये मेटा टैग के अंदर यहाँ पर ये एट्रीब्यूट लगा हुआ है, तो यहाँ पर ये एट्रीब्यूट आ गया, ठीक हो गया। इसमें यहाँ पर नीचे भी आप देख सकते हैं मेटा टैग है, ये क्लोज नहीं हुआ हुआ, सिर्फ ये ओपन टैग है। अच्छा यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइटल टैग है, टाइटल टैग यहाँ ओपन भी हुआ, यहाँ पर आके क्लोज हो गया। इसमें इसी तरह HTML में ओपन टैग भी है, क्लोज टैग भी है, ये आपको आगे मैं समझा दूंगा कौन सा टैग ओपन टैग है और कौन सा क्लोजिंग टैग है इसमें। तो फ्रेंड अब हम बात कर लेते हैं H1 टैग की। तो फ्रेंड H1 टैग जो काम करता है ये हेडिंग का काम करता है, यानी कि आपको कुछ अपनी अगर वेबसाइट में कोई हेडिंग देनी हो तो आप उस पर H1 टैग का यूज़ कर सकते हैं। तो H1 टैग के लिए आपको सिंपली यहाँ पे बॉडी पे आना है, बॉडी में आकर यहाँ पर आपको H1 टाइप करना है। H1 जैसे ही आप टाइप करेंगे आप चाहें तो यहाँ इंटर भी प्रेस कर सकते हैं अपने कीबोर्ड में, और यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपका H टैग ओपन एंड क्लोज दोनों टैग आ जाएंगे। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे H टैग ओपन टैग भी है और क्लोज टैग भी है। अब इसके दरमियान में जो है ना लाइन, अब इसके दरमियान में जो कर्सर है ना, आपने यहाँ पर जो टाइप करेंगे अब वो आपकी वेबसाइट में पेस्ट हो जाएगा, यानी कि वो आपकी वेबसाइट में शो होगा। अब यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ एग्जांपल के तौर पे वेलकम टू HTML कोर्स। अब मैं ये इसे अपनी वेबसाइट पे देखना चाहता हूँ, ये मेरी वेबसाइट पे भी सेम ऐसा ही हो के वेलकम टू HTML कोर्स। तो अब मैं यहाँ पर सिंपली आके फाइल पे आता हूँ, फाइल पे मैं यहाँ पर इसे सेव करता हूँ, और जहाँ पर मैंने इसे सेव किया था ना, इस फाइल को मैंने जहाँ पर एक्सटेंशन फाइल को मैंने जहाँ पर सेव किया था, अब मैं वहाँ पे सीधा चला जाता हूँ। अब मैंने इसे यहाँ पे डेस्कटॉप पे सेव किया था, डेस्कटॉप पे मैंने कम्प्लीटली लर्न HTML फोल्डर में मैंने इसे सेव किया था। इसे मैं ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पर मैंने कम्प्लीटली लर्न HTML नाम की फाइल में मैंने इसे सेव किया है। मैं यहाँ से इसे डबल क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ। तो फ्रेंड ये आप देख सकते हैं वेलकम टू HTML कोर्स, मैंने ये यहाँ पे टाइप किया था H1 में, तो ये यहाँ पर आ गया, ठीक हो गया। तो फ्रेंड आगे हम बात कर लेते हैं H1 के अलावा और भी H2 भी, H3 भी, H6 तक के, तो हम यहाँ पे वो भी देख लेते हैं। तो H2 आप जैसे ही टाइप करेंगे H1 से जो छोटा साइज होगा ना फॉन्ट का वो आपका H2 में आ जाएगा, H3 में ये होगा कि H3 में जो H2 से छोटा साइज है वो आ जाएगा, इसी तरीके से H6 तक के, ठीक हो गया। अभी H2 हम टाइप करते हैं, यहाँ पे इंटर प्रेस करते हैं। अब यहाँ पर भी हम यही लिखेंगे वेलकम टू HTML कोर्स। हम यहाँ से H1 टैग से हम कॉपी कर लेते हैं। अब H2 टैग में हम यहाँ पर आके पेस्ट कर देते हैं। अब हम इंटर प्रेस करते हैं, H3 टैग टाइप करते हैं। अब इसी तरीके से H4 टाइप करेंगे। तो फ्रेंड ये आप देख सकते हैं मैंने H6 तक के टाइप कर दिए। अब मैं इसे यहाँ से सीधा सेव करता हूँ। तो फ्रेंड ये आप बार बार सेव करना ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है एक कोडर के लिए, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं सेव एज के नीचे सेव ऑल के नीचे लिखा हुआ होगा यहाँ पे ऑटो सेव। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे टिक आ जाएगा, ठीक हो गया, यहाँ पर टिक आ जाएगा। इसके बाद फिर आपको सीधा जाके अपने ब्राउजर पे यहाँ पर सिंपली रिफ्रेश कर लेना पेज। मैंने इसे देखिए यहाँ पे सेव नहीं किया, अब मैंने यहाँ पर इसे फाइल पे आके मैंने इसे सेव नहीं किया। अब मैं सीधा इसे ब्राउजर पे आता हूँ, यहाँ पे मैं पेज को रिफ्रेश करूंगा, ये देखना खुद ब खुद रिलोड हो जाएगा। और ये देखना यहाँ पर ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा, ये देख सकते हैं आप H1 टैग है, ये H2 हो गया, ये H3 हो गया, और ये H4 हो गया, एंड ये H5 है, एंड ये H6 है। अब इसी तरीके से H6 तक के होते हैं। अगर आप
सोच रहे होंगे यहाँ पर H7 क्यों नहीं है, H8 क्यों नहीं है एंड H9 वगैरह आगे से क्यों नहीं है। इससे आगे नहीं है, HTML में इससे आगे नहीं होता, सिर्फ H6 तक के है, इससे आगे नहीं है। अब मैं आपको यहाँ पर प्रैक्टिकली बता भी देता हूँ, H अगर 7 अगर हम यहाँ पर करें तो क्या होगा उससे। ये देखें, हमने H7 किया, हमें यहाँ पर कोई सजेस्ट भी नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। H7 टाइप किया, ये देख सकते हैं आप, मैंने यहाँ पर H7 टाइप करके इंटर प्रेस किया, कुछ भी नहीं हुआ। यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, H6 तक किया टैग, इससे आगे टैग नहीं है HTML में। बस हेडिंग के लिए यही टैग होते हैं, H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6 होता है, बस यहाँ तक के, इससे आगे नहीं है। तो फ्रेंड अभी हम बात कर लेते हैं ये मेटा कैड सेट UTF-8 के बारे में, फिर हम बात करेंगे मेटा HTTP इक्वेस के बारे में, फिर हम बात करेंगे मेटा HTTP इक्विक के बारे में, एंड फिर हम बात करेंगे मेटा नेम व्यू पोर्ट के बारे में, एंड फिर हम बात करेंगे मेटा नेम व्यू पोर्ट के बारे में, फिर लास्ट में हम बात करेंगे टाइटल, फिर हम लास्ट में हम बात करेंगे टाइटल के बारे में। ठीक हो गया, तो अब हम बात कर लेते हैं करेक्टर सेट UTF-8 के बारे में। फ्रेंड ये मेटा का क्या मतलब है, ये मैं पहले आपको बता दूं, ये मेटा जो है ना, ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज किया जाता है वैसे तो, लेकिन यहाँ पर इन्होंने मेटा टैग किसी और मकसद के लिए यूज किया, तो ये किस मकसद के लिए यूज, ये अभी हम बात करेंगे। SEO के लिए जो मेटा टैग यूज किया जाता है, इसमें वो इन्होंने यूज नहीं किया, उसके लिए अलग हमें मेटा टैग क्रिएट करना पड़ेगा, यहीं पर हेडर के बाद हमें वो क्रिएट करना पड़ेगा। हेडर के बाद भी हम कर सकते हैं, या ये मेटा इनिशियल साइज के बाद भी हम कर सकते हैं, इनिशियल स्केल 1.0 के बाद आप यहाँ पे नीचे मेटा टैग दूसरे यूज कर सकते हैं SEO के लिए, अगर आप यूज करना चाहें तो। ठीक हो गया, तो अब हम बात कर लेते हैं मेटा करेक्टर सेट UTF-8 के बारे में। फ्रेंड ये जो है ना, अगर आप कोई और लैंग्वेज यहाँ पर यूज करना चाहते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर, तो आपको ये UTF-8 लगाना पड़ेगा, ये मेटा टैग आपको ऐड करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे अगर आप हिंदी यूज करना चाहते हैं, बंगाली यूज करना चाहते हैं, या रशियन वगैरह कोई भी अगर अदर लैंग्वेज यूज करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे मेटा करेक्टर सेट UTF-8 लगाना पड़ेगा। ठीक हो गया, तो अब इसके बाद जो मेटा HTTP एक्वा कंपेटिबल है, ये आपको ID, ये आपको इसके लिए इंटरनेट एक्सप्लोरर के लिए यूज करना पड़ेगा। अगर मान लो अगर आपका कोई यूजर, आपने एक वेबसाइट बनाई, आपका कोई यूजर जो है ना वो इंटरनेट एक्सप्लोरर वेब ब्राउजर यूज कर रहे, तो उसके लिए आपको ये मेटा टैग HTTP इक्विप लगाना पड़ेगा। ठीक हो गया, अगर आप ये टैग नहीं लगाते, तो जो आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर यूजर है, जो आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउजर यूज करता है, जो आपका यूजर, उसमें ये वेबसाइट शो नहीं होगी। ठीक हो गया, तो अब हम बात कर लेते हैं मेटा नेम व्यू पोर्ट के बारे में। ये जो है ये रिस्पॉन्सिव के लिए होता है वैसे, क्योंकि जो आपकी वेबसाइट अगर रिस्पॉन्सिव नहीं होगी तो यूजर को कोई भी इंफॉर्मेशन चेक करने में मसला हो सकता है आपका। इससे ये होगा कि आपका जो मेन्यू होगा वो कहीं और जा रहा होगा, नेम कहीं और जा रहा होगा, टेस्ट कहीं आगे पीछे हो रहा होगा, इससे चेंजिंग हो जाएगी। ठीक हो गया, तो इसलिए हमें ये मेटा नेम व्यू पोर्ट लगाना पड़ता है, एंड कंटेंट विद डिवाइस विद इनिशियल स्केल 1.0, ये हमारी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव कर लेते हैं। और अब हम बात कर लेते हैं टाइटल के बारे में। फ्रेंड टाइटल जो है, ये आपके जो डॉक्यूमेंट, यहाँ पे हमने डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, मैं आपको ब्राउजर दिखा देता हूँ टाइटल टाइटल का क्या काम होता है। मैं आपको नीचे ब्राउजर दिखाता हूँ इसमें टाइटल का क्या काम होता है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर टैब में देख रहे होंगे आप, यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है। ठीक हो गया, अब मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, डॉक्यूमेंट के बदले कुछ और लिख देता हूँ यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ HTML, मैंने यहाँ पे टाइटल में HTML लिख दिया। अब यहाँ पे जो आपका टाइटल है वो भी चेंज हो जाएगा। मैंने यहाँ पे सिंपली रिफ्रेश किया, ये देख सकते हैं आप HTML आ गया। यहाँ पे पहले डॉक्यूमेंट लिखा हुआ था, अब यहाँ पर HTML लिखा हुआ आ गया। बस टाइटल का यही होता है कि ये आपके जो है ना टैब में जो आपको शो हो रहा होता है, इसे चेंज कर देते हैं। अब हम यहाँ पे लिंक टैग की बात कर लेते हैं, तो लिंक टैग जो है वो भी आपको हेड के अंदर ही यूज करना होगा। टाइटल के नीचे हम लिंक यूज कर लेते हैं, यहाँ पर हम टाइप करते हैं लिंक, ये देख सकते हैं विजुअल स्टूडियो कोड ने हमें सजेस्ट कर दिए लिंक। हम यहाँ पर सिंपली प्रेस करते हैं लिंक पर, अब ये देख सकते हैं रेफलर स्टाइल शीट। अच्छा फ्रेंड, इसमें रेफलर HREF जो है ना, ये एट्रीब्यूट है हमारा, ये लिंक का एट्रीब्यूट है। तो इसमें हम लिंक में ये HREF में हम ये लिंक का नाम देंगे, यानी कि जो हमने फाइल कोई और अगर एड करना चाहते हैं तो हम HREF में इंक्लूड करेंगे। ठीक हो गया, अब यहाँ पर हम दूसरी एक फाइल क्रिएट करते हैं, CSS की हम फाइल क्रिएट करते हैं। यहाँ पे सिंपली हम फाइल पे आते हैं, न्यू फाइल पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पर अगेन फाइल पे आते हैं, सेव एस पे आते हैं, ये हम फाइल का नाम दे देते हैं लर्न टू HTML। अच्छा फ्रेंड, अब हमने यहाँ पर फाइल का नाम तो दे दिया लर्न टू HTML, अब यहाँ पर हमें नीचे सेव एस टाइप पे आने, और यहाँ पर हम CSS ऐड कर लेते हैं। जैसे हमने HTML ऐड किया था, इसी तरीके से हम CSS ऐड कर लेते हैं। ये देख सकते हैं फ्रेंड CSS, इस पर सिंपली क्लिक करते हैं, डेस्कटॉप पे आते हैं, कम्प्लीटली लर्न HTML फोल्डर के अंदर ही हम इसे सेव कर लेते हैं।
यहाँ पर सिंपली हम सेव पे क्लिक करते हैं। ये देख सकते हैं फ्रेंड CSS का लोगो भी आ गया हमारे पास यहाँ। तो फ्रेंड हम CSS को HTML में कनेक्ट करना चाहते हैं, यानी कि इसके साथ लिंक करना चाहते हैं। तो हमें वो लिंक करने के लिए लिंक रेफलर स्टाइल शीट href में हमें यहाँ पे इसका नाम देना होगा। हम यहाँ पर नाम दे देते हैं learn to HTML। हम यहाँ पर href में हम वही नाम देंगे जो हमने फाइल का नाम रखा था। देखिए हमने यहाँ पर अभी कंप्लीट नाम नहीं लिखा, इसने हमें नीचे सजेस्ट कर दिए। तो हम यहाँ पे सिंपली क्लिक कर लेते हैं learn to HTML.css पे क्लिक कर लेते हैं। ये देख सकते हैं ये हमारी लिंक ऐड हो चुकी है। अब ये कैसे पता चलेगा हमारी ये लिंक ऐड हो चुकी है, इसके लिए हम एक और तरीका आजमा लेते हैं। अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं body tag। अभी फ्रेंड आपको ये CSS के बारे में समझ नहीं आएगी, अगर आपको पहले से CSS आती है तो आपको पता होगा, ऐसे तो आपको ये समझ में नहीं आएगी। अभी मैं इसका आगे कोर्स लेकर आने वाला, तो उसमें मैं आपको CSS के बारे में कंप्लीट नॉलेज दे दूंगा, ठीक हो गया। CSS क्या होती है, ये क्या काम करती है, वेबसाइट में इसका कैसे यूज होता है, मैं आपको आने वाली वीडियोज में बता दूंगा, इसका एक कंप्लीट कोर्स लेकर आऊंगा। तो अभी आपको ये समझने की जरूरत नहीं, अभी मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि कैसे लिंक करेगी HTML के साथ। अब हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं बैकग्राउंड कलर। ये देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सिंपली BA लिखे और इसने मुझे नीचे सजेस्टन दे दिए। मैं यहाँ पे नीचे एरो बटन पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे नीचे बैकग्राउंड कलर पे आ जाता हूँ। अब यहाँ पे मैं बैकग्राउंड कलर एक्वा यूज़ कर लेता हूँ। मैंने सिंपली यहाँ पे इसे सेव भी नहीं किया, क्यों मैंने इसे यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इसे यहाँ पे सेव भी नहीं किया, क्योंकि मैंने इसे यहाँ पे ऑटो सेव पे क्लिक किया हुआ है। मैं सिंपली से जाके ब्राउज़र को रिफ्रेश करूँगा। ये देख सकते हैं आप, ये मेरा जो बैकग्राउंड ब्राउज़र का बैकग्राउंड कलर है वो चेंज हो चुके हैं। इसका मतलब हमारी जो CSS की फाइल है वो यहाँ पे लिंक हो चुकी है। अगर आपके पास फ्रेंड कोई और फाइल है तो वो भी आप इसी तरीके से लिंक कर सकते हैं। अच्छा फ्रेंड बस आप इतना समझें, अगर हमें CSS की फाइल को अगर लिंक करना हो तो हमें लिंक टैग का यूज़ करना पड़ता है। आपने यहाँ पे एक चीज़ देखी होगी, लिंक टैग जो है यहाँ पे ओपन हुआ है लेकिन क्लोज नहीं हुआ, ठीक है, इसका क्लोजिंग टैग नहीं है। जैसे हेड टैग का क्लोजिंग टैग है, इसी तरीके से लिंक टैग का यहाँ पे क्लोजिंग टैग नहीं है, इसका सिर्फ ओपनिंग टैग है। तो फ्रेंड आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा, मैं आपको इसका एक बार रिविजन करवा देता हूँ। तो डॉक टाइप जो है ये HTML, ये भी HTML 5 में आया है, ये पहले वाले वर्जन में नहीं था, HTML 4 में नहीं था, एंड HTML 3 और HTML 2 वगैरह में नहीं था, HTML भी नहीं था ये। तो ये HTML 5 में आया, हो सकता है आगे HTML 6 में और भी कुछ चेंजिंग हो जाए, या HTML 6 आएगी भी या नहीं आएगी अभी इसका कोई पता नहीं है। तो अभी हम बात कर लेते हैं HTML लैंग्वेज इंग्लिश के बारे में। तो फ्रेंड ये HTML की लैंग्वेज इंग्लिश है, ये हमें पता चल रहा है इसे साफ। तो हम यहाँ पे चाहे तो लैंग्वेज चेंज भी कर सकते हैं, अगर आप किसी और लैंग्वेज में वेबसाइट बना रहे हैं तो आप वो ये लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। तो हेड टैग जो है ये, तो फ्रेंड ये एक हेड टैग है, हेड टैग ओपन होता है और ये क्लोज भी होता है, और हेड टैग हमेशा स्टार्टिंग में आता है, ये नीचे नहीं लेकर आ सकते, आप बॉडी के बाद हेड टैग नहीं लगा सकते, या आप HTML के बाद भी हेड टैग का यूज़ नहीं कर सकते, हेड टैग का आपको फर्स्ट पे यूज़ करना है। तो इसमें जो मेटा टैग है, को फ्रेंड एक बात याद रखनी है कि मेटा टैग जितने भी आएंगे ये आपको हेड टैग के अंदर ही आएंगे, और टाइटल भी आपका हेड टैग के अंदर ही आएगा, एंड लिंक भी आपका जो लिंक भी होगी वो भी हेड टैग के अंदर ही आएगी। तो मेटा टैग क्या काम करता है, मेटा टैग सिंपली वैसे तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज होते हैं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, फ्रेंड अगर आपकी वेबसाइट कहीं गूगल पे रैंक कर रही है तो वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू रैंक कर रही है। अगर आपने उसमें SEO करी है तो फिर वो रैंक करेगी, अगर आपने उसे SEO नहीं करी तो वो रैंक नहीं करेगी। तो ये SEO के लिए मेटा टैग यूज किया जाता है, लेकिन इन्होंने यहाँ पर मेटा टैग कैरेक्टर सेट UTF-8 यूज किया हुआ है, ये भी इन्होंने किसी मकसद के लिए यूज किया है। क्या एक ही मकसद है, अगर आप यहाँ पर अपनी वेबसाइट में कोई और लैंग्वेज यूज करना चाहते हैं तो आप ये UTF-8 का यूज कर सकते हैं, कैरेक्टर सेट UTF-8। इसमें आप अगर यहाँ पर आप हिंदी टाइप करते हैं या बंगाली या रशियन, स्पेनिश, अरेबिक वगैरह कोई लैंग्वेज भी अगर आप यूज करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे UTF-8 लगाना लाजमी है, मेटा टैग UTF-8 लगाना लाजमी है, ठीक हो गया। अब जो मेटा टाइप HTTP-equiv जो टैग है ये इंटरनेट एक्सप्लोरर के लिए यूज है, जो यूजर आपका अगर इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज करते हैं तो ये इसको हेल्प करेगा इंटरनेट एक्सप्लोरर में, क्योंकि आज के वक्त में अगर आप ये टैग नहीं लगाएंगे तो ये इंटरनेट एक्सप्लोरर में वेबसाइट आपकी काम नहीं करेगी। और मेटा नेम व्यू पोर्ट के बारे में मैंने आपको पहले भी बता दिया, ये आपकी रिस्पॉन्सिव वेबसाइट को ये आपकी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाती है। अगर आपका कोई यूजर मोबाइल में अगर आपकी वेबसाइट को ओपन करते हैं ये टैग उसमें काम करेगा, ठीक हो गया। और टाइटल के बारे में भी मैंने आपको बताया, टाइटल अगर यहाँ पे टैब बार में ये चेंज कर देगा, ठीक हो गया। आप यहाँ पर टाइटल अपने मर्जी से रख सकते हैं, लिंक जो है ना ये आप यहाँ पे
CSS की लिंक ऐड कर सकते हैं। आगे आप इसमें कौन कौन सी लिंकें ऐड कर सकते हैं ये मैं आपको आने वाली वीडियो में बता दूंगा, ठीक हो गया। बॉडी टैग की बात कर लेते हैं फ्रेंड, आपका जितना भी वेबसाइट का कंटेंट होता है वो आपका सब बॉडी टैग में ही होता, बॉडी टैग से बाहर नहीं होता। जो भी आपका यूजर वेबसाइट में जो कुछ लिखा हुआ देखेगा, टाइप किया हुआ देखेगा, वो आपकी बॉडी टैग में ही होगा। तो हमने H1 के बारे में बात की है, H2 एंड H3 एंड इसी तरीके से H6 तक की हमने बात करी है। H1 जो टैग है ये आपका सबसे बड़ा टैग है, फॉन्ट में फॉन्ट साइज को सबसे इंक्रीज रखते हैं, यानी कि सबसे बड़ा टैग है। इसमें H2 है ये H1 से थोड़ा सा छोटा है, H3 जो है ये H2 से थोड़ा सा छोटा है, H4 H3 से छोटा है, ठीक हो गया। फ्रेंड HTML में दो टाइप की वेबसाइटें होती हैं, एक इसमें होती है स्टैटिक वेबसाइट और एक इसमें होती है डायनामिक वेबसाइट। स्टैटिक वेबसाइट वो होती है जिसमें आप टेक्स्ट एंड वीडियो का यूज करते हैं एंड इमेजेस का यूज करते हैं, वीडियो इमेजेस टेक्स्ट एंड ऑडियो क्लिप वगैरह होगी, इन सब का आप जिधर यूज करते हैं वो स्टैटिक वेबसाइट हो जाएगी। अच्छा स्टैटिक वेबसाइट वो होती है जिसमें आप इमेजेस एंड टेक्स्ट का यूज करते हैं, वो आपके स्टैटिक वेबसाइट कहलाएगी। और डायनामिक वेबसाइट वो होती है जो आपकी जिसमें आपकी वीडियो भी होगी, इमेज भी होगी, टेक्स्ट भी होगा, ऑडियो क्लिप, A to Z जो कुछ है वो सब होगा, जो कुछ एक वेबसाइट में होता है ये सब जो कुछ एक वेबसाइट में होता है वो सब एक डायनामिक वेबसाइट कहलाएगी। और डायनामिक वेबसाइट में एक और बात है, आप यूजर से इनपुट लेके और यूजर को कुछ आउटपुट दिखा भी सकते हैं, इसमें वो डायनामिक वेबसाइट कहलाती है। और आज के टाइम पे आप जितनी वेबसाइटें देखेंगे ज्यादातर डायनामिक वेबसाइटें कहलाएंगे, इसमें स्टैटिक वेबसाइट बहुत ही कम दिखेगी आप, क्योंकि हर वेबसाइट में कोई ना कोई मकसद, हर वेबसाइट किसी ना किसी मकसद के लिए बनाई जाती है, इसी वजह से डायनामिकली वेबसाइट बनाई जाती है ज्यादातर आज के टाइम। तो फ्रेंड अब हम बात कर लेते हैं एट्रीब्यूट के बारे में, एट्रीब्यूट क्या होता है। तो फ्रेंड एट्रीब्यूट के बारे में बात करने से पहले इसे कोड को थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे अपने कीबोर्ड में Ctrl+ बटन प्रेस करते हैं, तो हम यहाँ पर Ctrl+ = बटन प्रेस करते हैं, हमारे यहाँ पे कोड इंक्रीज हो चुके हैं। फ्रेंड ये आप यहाँ पे देख सकते हैं मेटा टैग, यहाँ पर फ्रेंड जो मेटा टैग है ना एक टैग है, ठीक हो गया। इसमें यहाँ पर जो कैरेक्टर सेट है ना ये यहाँ पे एट्रीब्यूट है, एक कैरेक्टर सेट एट्रीब्यूट है और ये इसकी वैल्यू है, ये UTF-8 इसकी वैल्यू है। कैरेक्टर टैग कैरेक्टर सेट एट्रीब्यूट नेम है इसकी वैल्यू, मैं आपको यहाँ पर भी समझा देता हूँ। यहाँ पर ये लिंक है, लिंक एक टैग है, ठीक हो गया। अब यहाँ पर जो रेफलर है ये यहाँ पर एट्रीब्यूट हो गया, यानी कि एट्रीब्यूट नेम हो गया, एट्रीब्यूट का नेम है ये रेफलर। अब यहाँ पे जो स्टाइल शीट है ये इसकी वैल्यू हो गई। अच्छा एट्रीब्यूट की जो वैल्यू होती है वो डबल कोड में ही लिखनी होती है, ये डबल कोड में अगर आप नहीं लिखेंगे ये फिर रिकमेंड नहीं होगा, ये फिर अच्छा नहीं लगता। अच्छा इसकी जो वैल्यू है एट्रीब्यूट की जो वैल्यू है वो आपको डबल कोड में लगानी होगी, एट्रीब्यूट की जो वैल्यू वो आपको डबल कोड में देनी होगी। फिर यहाँ पे ये href ये भी एट्रीब्यूट नेम है, इसके बाद डबल कोड में learn2html.css एक वैल्यू है, ये होगी एट्रीब्यूट। और फ्रेंड मैंने आपको क्लोजिंग टैग और फ्रेंड मैंने आपको ओपन टैग और क्लोजिंग टैग के बारे में बता दिया था पहले, ये देख सकते हैं फ्रेंड, फिर एक मरतबा अगेन बता देता हूँ आपको। तो फ्रेंड ये देख सकते हैं H1 जो टैग है ये ओपन टैग है, ये आपका ये क्लोजिंग टैग है। अच्छा क्लोजिंग टैग की पहचान ये है कि ये फॉरवर्ड स्लैश से पहचाना जाता है, यानी इस पर फॉरवर्ड स्लैश आ रहा होगा वो क्लोजिंग टैग होगा। अच्छा फ्रेंड मैं यहाँ पर आपको एक बात बता दूँ, इसमें जो इम्पोर्टेड टैग है वो कौन कौन से है वो मैं आपको बता दूँ। वैसे है तो सारे इम्पोर्टेड टैग है, लेकिन एक सिंपल वेब पेज बनाने के लिए जो इम्पोर्टेड टैग होते हैं वो यहाँ पर HTML टैग है। फ्रेंड ये HTML टैग आपको लगाना लाजमी है, अगर आप ये यहाँ पे लैंग्वेज इंग्लिश नहीं भी लगाएंगे तो कोई मसला नहीं है, मैं आपको लगा के चेक करवा दे। ये देखिए मैंने यहाँ पर HTML एक टैग लगा दिया, एक हेड टैग लगा दिया, डॉग टाइप भी मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पर मैं अगर आप फ्रेंड ये मेटा टैग और टाइटल एंड लिंक ये सब नहीं भी लगाएंगे कोई मसला नहीं, आपकी वेबसाइट फिर भी चलेगी। और हेड टैग के बाद फ्रेंड आपको फिर ये बॉडी टैग लगाना लाजमी है। अब ये बॉडी टैग नहीं, अब ये अगर बॉडी टैग नहीं लगाएंगे फिर इसमें कोई वेबसाइट का कंटेंट नहीं दिखेगा, आपने जो भी कंटेंट टाइप करना है वो आप बॉडी टैग के अंदर करेंगे। और ये यहाँ पर HTML टैग स्टार्ट हुआ था और ये यहाँ पे क्लोज हो चुके हैं। अच्छा हेड के HTML के स्टार्टिंग टैग के नीचे हमने फौरन हेड टैग लगा दिया, यहाँ पर हमने नीचे जब क्लोजिंग टैग की बारी आएगी वो हमने यहाँ पे नीचे, तो मैं यहाँ से ये मेटा टैग टाइटल एंड लिंक ये भी रिमूव कर देता हूँ, रिमूव कर दिया मैंने यहाँ से, यहाँ पे हेड टैग में कुछ भी नहीं। अब हेड टैग को मैं यहाँ से उठा के नीचे ले आता, बॉडी के बाद मैं हेड टैग लगा देता हूँ, लगा दिया मैंने यहाँ पे, यहाँ पर देख सकते हैं H1 H2 ये हेडिंग वैसे ही है। अब मैं ऐसे यहाँ पे सिंपली सेव नहीं करता मैंने, क्योंकि पहले से सेव करके रखा हुआ है यहाँ पे, क्योंकि मैंने यहाँ पे फाइल पे आके ऑटो सेव पे टिक किया हुआ है, इसे मुझे सेव करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। तो मैं इसे सिंपली ओपन करता हूँ, कम्प्लीटली लर्न HTML फोल्डर को मैं ओपन करता हूँ। यहाँ पर फ्रेंड हमने दो फाइलें क्रिएट करी थी, एक न्यू करी थी और एक कम्प्लीटली लर्न टू HTML करा। अब इसे हम ओपन कर लेते हैं, तो फ्रेंड ये आप देख सकते हैं ये वर्क कर गया, लेकिन यहाँ पे फ्रेंड
एक बात है जो हमारी यहाँ पे बैकग्राउंड, तो फ्रेंड यहाँ पर हमने पहले एक बैकग्राउंड का कलर दिया था, वो देखिए यहाँ पे अभी कोई कलर नहीं है। तो ये कलर किधर चला गया, हमने मैंने आपको यहाँ पहले भी बताया था, मैंने यहाँ पे लिंक टैग लगाया था CSS का, ये CSS का बॉडी का बैकग्राउंड मैंने कलर दिया था एक्वा, ये मैंने यहाँ पे लिंक टैग लगाया था हेड के अंदर, यहाँ पर मैंने लिंक टैग लगाया था, वो यहाँ पे मैंने रिमूव कर दिया, इसीलिए यहाँ पर बैकग्राउंड कलर अभी शो नहीं हो रहा। अगर हम अगेन बैकग्राउंड, अगर हम यहाँ पे लिंक टैग लगा देंगे CSS का, तो यहाँ से फिर अगेन आ जाएगा। अभी मैं कंट्रोल जेड करके अंडू कर लेता हूँ इसे, तो मैं भी यहाँ पे कंट्रोल जेड करके बैक आ जाता हूँ, तो अभी मैं यहाँ पे कंट्रोल जेड करके पीछे आ जाता हूँ। ये देखें वो जो मैंने पहले से रिमूव किया था वो मैं वापसी ले आया। तो अब मैं इसे यहाँ पे ब्राउजर को रिफ्रेश कर, तो अब मैं यहाँ पे ब्राउजर को रिफ्रेश कर लेता हूँ, ये देख सकते हैं बैकग्राउंड कलर वापसी आ गया। तो फ्रेंड अभी हम बात कर लेते हैं HTML वर्जन के बारे में। तो फ्रेंड जो सबसे पहला वर्जन आया था ये भी HTML 1991 में आया था। तो फ्रेंड इससे पहले भी कुछ वर्जन आ चुके हैं 1991 से पहले भी, वो लेकिन बिल्कुल ही सपोर्ट बहुत ही कम ही सपोर्ट किया करते थे किसी ब्राउजर में। तो लेकिन अभी जो HTML 1991 में आया, ये HTML कहलाता था, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML 2.0 आया, ये 1995 में आया था, और इसके बाद फिर HTML 3.2 आया, ये 1997 में आया था। HTML 4.1 आया था, ये 1999 में आया था। फ्रेंड इसके बाद XHTML आया था, एस का मतलब है एक्सटेंसिबल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। फिर इसके बाद फ्रेंड आया HTML 5014 में, HTML 5 आया था। हम जो अभी सीखने वाले हैं इस कोर्स में वो HTML 5, ये लेटेस्ट वर्जन है, तो हम यही सीखने वाले हैं। तो अगर इसके बाद अगर हमारे कोर्स के दरमियान या इसके बाद ही अगर कोई HTML 6 आ जाएगा, तो मैं इस पर भी वीडियो बना दूंगा, ठीक हो गया। तो अभी हम HTML 5 पे सीखेंगे। तो फ्रेंड अभी हम बात कर लेते हैं HTML 5 के बेनिफिट क्या है हमारे पास। फ्रेंड HTML 5 में आप इजीली एम्बेड कर सकते हैं किसी भी वीडियो ऑडियो या एनिमेशन, किसी भी वीडियो ऑडियो एनिमेशन को आप ऐड कर सकते हैं वेब पेज के अंदर अपने। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं वीडियो ऑडियो एनिमेशन एंड ग्राफिक इन द वेब पेजेस। तो फ्रेंड ये मैंने कुछ 5 पॉइंट लिखे हैं इसमें जो फायदे, पहला फायदा वो हमारे पास तो ये आ जाता है वेब क्लाउड स्टोरेज। अगर आप वेबसाइट बना रहे हैं तो इसमें आप ये HTML 5 आपकी हेल्प करेगी। इसके बाद फ्रेंड ये ब्राउजर सपोर्टेड है, आज के टाइम पे जितने भी मार्केट में ब्राउजर है वो सारे सपोर्ट करते हैं HTML 5 को। आई थिंक मेरे ख्याल से इंटरनेट एक्सप्लोरर सपोर्ट नहीं करता HTML 5 को, अटैक कर सकते हैं, शायद करता भी हो या नहीं भी कर। तो फ्रेंड HTML 5 में आप ऑफलाइन एप्लीकेशन भी यूज कर सकते हैं, एरर को आप फाइंड भी कर सकते हैं HTML 5 में। इसमें जो लास्ट में जो 5 नंबर पे हमारे पास फ्यूचर है, ये फ्रेंड सबसे अच्छा फ्यूचर है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस API, आप इसमें API भी ऐड कर सकते हैं HTML 5 में। अगर आप कोई भी API ऐड करना चाहते हैं तो भी आप HTML 5 में आपको सपोर्ट मिल जाता है ऐड करने का। तो ये फ्रेंड ये कुछ फ्यूचर थे इसके बारे में HTML 5 के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं H1 टैग में एट्रीब्यूट के बारे में। CSS में अगर ये H1 टैग को एडिट करना चाहते हो तो आप कैसे कर सकते। अब ये देखो यहाँ पे मैंने बॉडी लिखा हुआ है, ठीक है, अब ये बॉडी तो ये टैग है, H1 टैग भी मैं देख के यहाँ पे इसे एडिट कर सकता हूँ। यहाँ पे अगर मैं H1 टैग लिखूँ CSS में, आपको एक मतलब प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। कर्ली ब्रैकेट लगाई और इंटर प्रेस किया, और यहाँ पे मैं इसका फॉन्ट साइज दे देता हूँ कुछ 100 पिक्सल। अब मैंने इसे सेव नहीं किया, मैंने इसे ऑलरेडी ऑटो सेव किया, ये मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, ऑटो सेव पे ओके रखेंगे आप। ऑटो सेव पे अगर आपका टिक लगा हुआ होगा तो ये खुद ब खुद सेव हो जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। आप डायरेक्टली कोड करें, कोड करने के बाद सीधा ब्राउजर में जाए, यहाँ पे आके आप रिफ्रेश कर दे बस। अब ये देखो ऐसे तो वर्क कर गया, मैंने फॉन्ट साइज इंक्रीज कर दिया, यहाँ पे ये वर्क कर गया, ऐसे भी हो गया है। लेकिन आप इसे एक नाम दे दें, नाम दे दें, एट्रीब्यूट दे दें, इस तरह अच्छा हो जाएगा। जा देता हूँ क्या सीन है, देखो H1 टैग है, H1 टैग क्लोज है, ठीक है, ये H1 टैग ओपन है, ये क्लोजिंग टैग है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमने ये ID एक एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट के अंदर हमने वैल्यू दिया कोर्स, हमने इसे कुछ भी वैल्यू दे सकते। अब यहाँ पे एक क्लास है, क्लास को मैंने 2 कर दिया, ठीक है, अब मैंने ये 2 यहाँ से उठा के दिया हुआ, कोर्स भी मैंने यहीं से उठा के दिया हुआ। अच्छा, वैल्यू कभी भी आप देंगे ना HTML में, ID की वैल्यू हो या क्लास की वैल्यू हो, एट्रीब्यूट के बाद = 2 लगेगा, = 2 लगने के बाद डबल कोड लगे, यार डबल कोड के अंदर ही वैल्यू देनी है, इसके बाहर वैल्यू नहीं देनी। और कंटेंट जो भी आपका, आप अगर यहाँ बाहर भी लिखेंगे ना, आप अगर अपनी सिंपल पेज पे कोई टेक्स्ट देखना चाहते हैं अगर, तो आप यहाँ पे देखना, मैं यहाँ बॉडी के अंदर कुछ भी नहीं लिखूंगा, कोई टाइप का यूज़ नहीं करूँ। मैं अगर यहाँ पे इंटरप्रेस करता हूँ ना, देखिए मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप कर दूंगा, GFDG जो भी मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया, ये देख सकते हैं। अगर इसे मैं जाके भी रन करके देखूंगा ना, ये वहाँ पे सेम एज इट इज़ आ जाएगा, मैंने यहाँ अलग है कोई टैग नहीं लगाया। टैग हमेशा HTML टैग में तब यूज़ किया जाता है जब हमें कोई उसमें वर्ड में या फॉन्ट में कोई चेंजिंग करनी हो, या कुछ हमें वहाँ पे कुछ अलग दिखाना हो, रिस्पॉन्सिव या कुछ अलग दिखाना हो ना, इसलिए हमें फिर टैग के यूज़ करने पड़ते हैं। अभी मैंने अभी यहाँ पे ये लिखा है, अभी मैं इसे
यहाँ पे रिफ्रेश करके देखता हूँ क्या होता है। ये देख सकते हैं पहले यहाँ नीचे नहीं था, अभी यहाँ पे आ गया ये। अभी मुझे इसका साइज़ चेंज करना है या साइज़ इंक्रीज़ करना है, मुझे कुछ भी करना है इसके साथ, एडिटिंग करनी है मुझे इसका। अब फिर मुझे टैग का यूज़ करना पड़ेगा, मैंने यहाँ पे इसे रिमूव कर दिया। तो हम चलिए आगे बात करते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं पैराग्राफ टैग के बारे में। पैराग्राफ टैग को अगर आपको कुछ भी पैराग्राफ में लिखना हो तो फिर आप पैराग्राफ टैग यूज़ कर सकते हैं। आपको कोई अगर पैराग्राफ वगैरह लिखना हो ना तो वो पैराग्राफ टैग में यूज़ कर सकते हैं आप। तो आपको सिंपली बॉडी के अंदर ही रहकर आपने यहाँ पे सिंपली पी प्रेस करना है, ठीक है। विजुअल स्टूडियो कोड की मैं बात करूँ, इसमें आपने पी प्रेस करने, आप इस पर यहाँ पे क्लिक भी कर सकते हैं या आप इंटर प्रेस कर दें। इंटर प्रेस करेंगे जैसे ये देख सकते हैं इसमें ओपनिंग भी है, क्लोजिंग टैग दोनों टैग हैं। अच्छा, अब आपने यहाँ पे अगर कुछ जैसे H1 टैग था ना, इसी तरह ये पैराग्राफ टैग है, सेम एज इट इज है। आपने अगर कुछ भी यहाँ लिखने, पी टैग ओपन नोट एंड पी टैग क्लोजिंग, इसी के अंदर लिखेंगे, आप इसके बाहर नहीं लिख सकते। आप भी अगर आप अगर ये टैग जो है ना, ये अगर आप कोई लंबा चौड़ा कोई भाषण दे रहे हैं, आप या आप कुछ बता रहे हैं किसी को, कोई स्टोरी बता रहे हैं, कुछ भी बता रहे हैं, जो आप वो आप फिर पैराग्राफ टैग में आप लिख सकते हैं। आप फिर उसमें आप H1 का भी, उसमें आप H टैग का भी यूज़ कर सकते हैं, H4 हो गया या H3 हो गया, H2 का भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन पैराग्राफ टैग एक अच्छा रहता है। वेबसाइट में अगर आप एक टैग का जो मतलब है उसके अगर रिलेटेड आप अगर बाहर से कोई दूसरे तरीके से आप यूज़ करेंगे ना, तो वो ये है कि फिर से ये वेबसाइट जो है ना आपकी स्लो पड़ जाएगी, रिस्पॉन्सिव भी नहीं हो सकती। रिस्पॉन्सिव होने में भी मसला होगा, वेबसाइट भी स्लो होगी। अभी आपने एक पैराग्राफ लिखना है, मान लो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, आपने अभी एक पैराग्राफ लिखना है, ठीक है। अब आप वो H6 टैग में लिख रहे हैं, वो कैसा लगेगा? फिर आपको CSS में जाके AC के साइड पर आके यहाँ पे स्टाइल लगा के फिर उसकी विड्थ और फॉन्ट साइज़ ये सब चेंज करना पड़ेगा, तो ये ठीक नहीं रहेगा। इसलिए जो टैग जिस काम के लिए बनाए गए उसी टैग पे यूज़ किया जाए तो ज़्यादा अच्छा होता है। हाँ, अगर नहीं हो पा रहा तो फिर आप अगर कोई दूसरा टैग यूज़ करके बन रहा काम अगर आपका हो रहा है तो फिर आप उसका यूज़ करें, वरना तो नहीं करें। अब ये पैराग्राफ टैग है, अब हम इसकी बात कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर कुछ भी लिखेंगे, मैं यहाँ पर लिखता हूँ लोरेम, अब ये देख सकते हैं फ्रेंड यहाँ पे हमें कितनी लंबी चौड़ी लाइन आ गई है। इसके बाद कोल लोडन लिखते हैं। अब ये आप देख सकते हैं पैराग्राफ टैग में, ये मैंने अभी यहाँ पे एक सिंपल सा कोई टेक्स्ट लिखा है लोरैम करके, तो ये यहाँ पे पैराग्राफ बन गया यहाँ पे। तो अब ये यहाँ पे इस तरीके से दिख रहा है ना, वेबसाइट में ऐसा नहीं दिखेगा, ये वेबसाइट में चेंज होगा। ये देखना, अभी आप मैं वेबसाइट पर गया, रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे नीचे आएगा ये, ये देख लो वेबसाइट में ऐसा नहीं है, वेबसाइट में ये चेंज है। अब मुझे यहाँ पे कुछ चेंजिंग करनी है, मैं पहले तो थोड़ा बहुत कम कर लेता हूँ, ऐसे समझ में नहीं आएगी, कन्फ्यूज़न हो जाएगी। चाहे 100% रोड ले लिया मैंने यहाँ पे, मैं यहाँ पे ज़रा रिफ्रेश करके देखता हूँ। हाँ, ये ठीक है, ये ठीक है। अब मैं इसकी ज़रा थोड़ी सी यहाँ पे फॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ कर देता हूँ। तो ये जब मैं CSS के बारे में बताऊँगा ना, तो ये उस टाइम मैं आपको ये सब बताऊंगे, इससे आप ये HTML में कैसे CSS यूज़ कर सकते हैं, और ये एक्सटर्नल इंटरनल आप CSS कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो स्टाइल लिख दिया मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे मैं टाइप कर लेता हूँ फॉन्ट साइज़ आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ 30 पिक्सल दे देता हूँ, 300 हो गया, 30 पिक्सल दे दिया। सिंपली मैं इसे यहाँ पर करता हूँ रन, रिफ्रेश कर लिया मैंने पेज को, हाँ ये ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे डोलोरम, इसी के साथ ये क्वेश्चन मार्क है। अब यहाँ से मैं चाहता हूँ ईस्ट इलम से स्पैम ये आगे नीचे आए, ये आगे नीचे आए, नेक्स्ट लाइन से आए, यहाँ पे आके ये रुक जाए, इससे आगे नहीं चले ये, फिर नेक्स्ट लाइन पे चले ये, नेक्स्ट लाइन से हमें यहाँ पे नीचे दिखेगी। अब ये मैं कैसे करता हूँ, अब ये देखना, अब यहाँ पर एक टैग यूज़ होगा। अब ये टैग आप याद रख लो, कभी भी आपको लाइन के अगर बीच में से यहाँ कहीं कट करना है, या अभी लाइन कहीं क्लोज हो रही है, अभी आप वहाँ से नीचे आना चाहते हैं, तो आप वो कैसे कर सकते हैं, वो टैग मैं आपको अभी यहाँ बता देता हूँ। अब ये देखो, ये लोरेम यहाँ पे आ रहा है, अब यहाँ पर आएगा एक टैग PR टैग, यहाँ जैसे यहाँ पे आपने PR प्रेस किया, यहाँ पे देखें इसने सजेस्ट दे दिया। अब यहाँ पर बटन प्रेस, यहाँ पे क्लिक करें,
ये आ गया बियर टैग। अच्छा बियर टैग वो टैग है जो सिंगल ना, इसका कोई क्लोजिंग टैग ही नहीं है यहाँ पे, इसका कोई क्लोज टैग नहीं लगेगा, सिर्फ बियर टैग एक लग गया यहाँ पे, इसने लाइन को यहाँ से कट कर दिया। अब ये चीज़ जो है ना, ये चीज़ अब नेक्स्ट वाली लाइन से स्टार्ट होगी, देखना अभी यहाँ पे मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ पेज को, देखो डोलोरम के साथ यहाँ नीचे से आ गई है स्टेट। यस है, मैंने बता दिया आपको बियर टैग के बारे में और पैराग्राफ टैग के बारे में। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कमेंट के बारे में, कमेंट आप कैसे कर सकते हैं और कमेंट करने का मकसद क्या है, कमेंट क्यों किया जाता है। कमेंट जो है ना, ये किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। कमेंट अगर आप करेंगे ना, अगर मिसाल के तौर पे आप यहाँ पर बॉडी के बाद आपने बताया कि भाई मैं बॉडी में सबसे पहले क्या किस चीज़ के बारे में बता रहा हूँ, H1 टैग के बारे में बता रहा हूँ, मैं यहाँ पर कमेंट कर सकता हूँ H1 टैग के बारे में, ताकि आपको फिर आसानी से पता चल जाएगा कि अभी इसने इस भाई ने H1 टैग के बारे में बताया, फिर P टैग के बारे में बताया, पैराग्राफ टैग के बारे में, हेडिंग टैग के बारे में। अब मैं यहाँ पे कमिट करने का तरीका बता रहा हूँ अब आपको, तो मैं यहाँ पे पहले कमिट कर देता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ मैंने कैसे किया ये कमिट। अब ये देखिए मैं आपको अभी समझा देता हूँ, ये भी मैंने यहाँ पे कमिट किए और ये यहाँ पर भी मैंने कमिट कर दिए, ठीक है। अब ये मैंने कमिट कैसे किया, कमिट जब कभी भी स्टार्ट होगा, ये यहाँ तो एंगल ब्रैकेट, इसे एंगल ब्रैकेट भी बोलते हैं और लेस देन ब्रैकेट भी बोला जा सकता है, लेस देन ब्रैकेट भी आप इसे बोल सकते हैं। एंगल ब्रैकेट के बाद यहाँ पर मैंने एक्सक्लेमेशन मार्क का साइन लगा दिया। अब यहाँ पर इसके बाद मैंने यहाँ पे, अब अगर मैथ में समझेंगे तो मैथ की लैंग्वेज में यहाँ पे मैंने माइनस माइनस लगा दिया, यहाँ आप हाइफन हाइफन भी बोल सकते हैं इसे। यहाँ पर आपको दो हाइफन लगाने, आप दो से ज़्यादा भी लगा सकते हैं, आप अगर चाहो तो दो से ज़्यादा भी लगा सकते हैं। आपको इसके बाद जो टाइप करने हैं आप वो टाइप कर सकते हैं, यहाँ पर आप कुछ भी टाइप करते हैं। मैंने यहाँ से लिंक उठा के, CSS की लिंक उठा के, यहाँ पे लिंक टैग उठा के यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिए, कॉपी पेस्ट कर दिया यहाँ पे। अच्छा इसके बाद यहाँ पर जब भी आपका कभी कमेंट आप कर रहे हैं और इसके बाद आप अगर इसे क्लोज करना चाहते हैं तो इसके इसमें फिर जब क्लोजिंग की टाइम पे आपको फिर यहाँ पे दो हाइफन लाजमी लगाने हैं, दो माइनस के साइन आपको लाजमी लगाने हैं। फिर इसके बाद आपको ग्रेटर देन या एंगल ब्रैकेट क्लोज, या इसके बाद एंगल ब्रैकेट क्लोज या ग्रेटर देन, इसका साइन लगा देना आप, ये आपका कमेंट ऑफ हो गया। अभी मैं आपको यहाँ पर भी समझा देता हूँ, यहाँ पर मुझे लगता है आपको शायद समझ में नहीं आई तो मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। ये देखें मैंने यहाँ पे क्या किया, कमेंट क्या किया मैंने, स्टार्ट टू लर्न पैराग्राफ टैग मैंने यहाँ पे एक कमेंट कर, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने लेस देन का साइन लगाया, इसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क का साइन लगाया, फिर माइनस माइनस के दो मैंने साइन लगा दिए, यहाँ हाइफन हाइफन भी आप बोल सकते हो इसे। इसके बाद मैंने फिर टाइप कर दिया जो भी मुझे बताना था, इसमें मैंने यहाँ पे लिख दिया भाई स्टार्ट टू लर्न पैराग्राफ टैग। अब मैंने यहाँ पे जब लिख दिया ना, यहाँ पे मैंने टैग तक के लिख दिया, मुझे यहाँ पे इसके बाद क्लोज करना था कमेंट अपना। अब मैंने यहाँ पे माइनस के दो साइन लगाए, इसके बाद यहाँ पे इसे मैंने क्लोज कर दिया, ग्रेटर देन या एंगल ब्रैकेट क्लोज कर दिया यहाँ पर मैं। आप इसे ग्रेटर देन भी बोल सकते हैं और एंगल ब्रैकेट क्लोज भी बोल सकते हैं आप इसे। अगर अब मैं यहाँ पे इसे पूरे पैराग्राफ टैग को ही मैं कमेंट करना चाह रहा हूँ, यानी कि इसमें जो मैंने टाइप किया है पैराग्राफ टैग में, ये मैं सब कमेंट करना चाह रहा हूँ, ये मैं नहीं बताना चाह रहा कि भाई मेरा कोई और, मैं से पूरे को अगर पैराग्राफ टैग को ही कमेंट कर दूँ तो वो मैं कैसे करूँगा, देखें। अब ये जो मैंने यहाँ पे क्लोज का किया था ना, यहाँ तो मैंने स्टार्ट कर दिया था, यहाँ देखें ये मैंने एंगल ब्रैकेट लगाई, एंगल ब्रैकेट ओपन लगाई मैंने यहाँ पे, तो नेशर मार्क लगाया और यहाँ पे मैंने दो माइनस के साइन लगा दिए। अब यहाँ से मैंने स्टार्ट कर दिया राइट, क्या बताना चाह रहा हूँ, मैंने यहाँ पे ये लिख दिया। अब मैं यहाँ से ये जो है ना, ये चीज़ मुझे यहाँ से कॉपी करता हूँ पैराग्राफ के टैग के नीचे, जहाँ पे मेरा पैराग्राफ खत्म हो रहा है इसके नीचे यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ। अब यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने रिमूव कर दिया, देखो पूरा पैराग्राफ टैग ही कमेंट हो चुका है अभी। अब मैं यहाँ पे माइनस का जो साइन है वो ज़्यादा करना चाहूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ, अभी यहाँ पे मैंने 3-4 कर दिया, कोई मसला नहीं है। यहाँ पर भी मैं चाहूँ तो 3-4 कर सकता हूँ, कोई मसला नहीं है, लेकिन दो लाजमी होने चाहिए इसमें, एक बात याद रखना, यहाँ पे आपके दो माइनस के साइन लाजमी होने चाहिए, स्टार्टिंग में भी दो लाजमी होने चाहिए और एंड के टाइम पे भी, क्लोजिंग के टाइम पे भी दो साइन लाजमी होने चाहिए, ठीक हो गया। अच्छा कमेंट अब करते क्यों हैं, देखो कमेंट जब भी कभी आप कोड कर रहे हो, अब कोड में समझ नहीं आ रही होती, कोड जो लेंथी हो जाता है किसी, अगर आपने भी एक कमेंट कर दिया, आपने भी कोड किया, ठीक है, अब अगर उसे 3-4 साल बाद अगर आके वापसी देखते हो, अपने कोड में कोई एडिटिंग करनी होती है, वेबसाइट में कोई चीज़ चेंज करनी होती है, बटन को चेंज करना, आपने कुछ भी टेक्स्ट चेंज करने, तो आपने वहाँ पे कमेंट किया होगा, आप कमेंट के थ्रू वहाँ कोड टाइप कर देते हो, ठीक है।
आपने वहाँ कुछ ना कुछ कमेंट करके बताया होगा, भाई मैंने यहाँ से ये चीज़ स्टार्ट करी है, यहाँ से मैंने ये चीज़ क्लोज कर दी है। आप जब 10 साल बाद या 5 6 साल बाद 2 3 साल बाद आप जब वापसी आओगे ना, तो आपको ये कमेंट बताएगा कि भैया आपने यहाँ से क्या स्टार्ट किया, यहाँ पे इस लाइन में आपने क्या बताया, यहाँ पे और आपने क्या बताया, आपने इस लाइन में क्या बताया, आपने हैशटैग क्यों इस्तेमाल किया। आपके ये सब चीज़ें समझने के लिए ना कमेंट करना लाजमी होता है। अच्छा, कमेंट जो है ना वो आपका यूज़र नहीं चेक कर सकता, वो जो कोडर है ना वही चेक कर सकता है, या प्रोग्रामर है वही बता सकता है, भाई कमेंट वही देख सकता है। जिसको कोड जिसके पास कोड है वो सिर्फ कमेंट देख सकते हैं, इसके अलावा कोई कमेंट नहीं देख। अब देखना यहाँ पे मैंने ये भी कमेंट किया हुआ है, अब यहाँ पे मेरे ब्राउज़र पे नहीं आएगा, देखना ये ज़रा। अब यहाँ पे मैंने पैराग्राफ भी, पहले तो ये पैराग्राफ टैग में जो मैंने टाइप किया था लो रैम स्पैम, ये मेरे पास सब आ रहा था, अभी शो हो रहा था, अभी देखना शो नहीं होगा। ये देखो अभी मैंने ब्राउज़र को रिफ्रेश नहीं किया, ये पहले से शो हो रहा है, ठीक है, अभी ये शो ही नहीं होगा क्योंकि मैंने इसे कमेंट कर दिया। अभी रिफ्रेश करता हूँ, ये देखो यहाँ शो ही नहीं हो रहा। अब मैं से यहाँ से कमेंट रिमूव कर देता हूँ, मैं यहाँ पर आके कमेंट गेन कर देता हूँ, देखो अब ये यहाँ पे ये नीचे शो होगा। अब ये मैं ब्राउज़र को रिफ्रेश करूँगा, अब ये पैराग्राफ टैग शो होगा, ये देखो अब वापसी आ गया पैराग्राफ टैग। कमेंट आप जब भी करेंगे अपनी आसानी के लिए करेंगे, यानी कि आपको कोड को समझने के लिए ईजी होगा। अच्छा, आप अगर कभी भी देखेंगे किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में, किसी भी कंपनी में, वहाँ पर जब कभी वो कोड कर रहे होते हैं वहाँ पर वो कमेंट लाजमी करते हैं, ठीक है। कमेंट वो इसीलिए करते हैं कि ताकि हमें कल को अगर कोई और बंदा आके अगर कोड को चेक करता है तो उसे समझने के लिए आसानी हो, उसे समझ आ जाए। और कमेंट जो है ना वो आपका यूज़र नहीं पढ़ सकता, यूज़र चेक नहीं कर सकता, यूज़र को पता ही नहीं चलेगा भैया आपने यहाँ पे कमेंट किया भी है कि नहीं किया। आपको फ्रेंड इमेज टैग क्या करते हैं ये भी बताऊंगा मैं आपको, इमेज टैग के बारे में इसी वीडियो में बताऊंगा, और इसी वीडियो में मैं आपको वीडियो टैग एंड ऑडियो टैग के बारे में मैं भी बताऊंगा, वीडियो टैग क्या काम करती है और ऑडियो टैग का क्या काम है। आपको नाम से तो पता चल गया होगा कि ये वीडियो को ऐड करने के लिए हो गया टैग, या इमेज को ऐड करने के लिए इमेज टैग यूज़ किया जाता है, ऑडियो को ऐड करने के लिए ऑडियो का टैग यूज़ किया जाता है। फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ एक बार, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी, फिर आपको मसला नहीं होगा। तो इमेज टैग के लिए मैं पहले कोड कर लेता हूँ इमेज टैग का, ये देख सकते हैं यहाँ पे इमेज आ गया, मैंने यहाँ सिंपली क्लिक कर दिया। तो यहाँ पर फ्रेंड ये देख सकते हैं एट्रीब्यूट में इसने मुझे SRC भी दे दिया और Alt भी एट्रीब्यूट में दे दिया। अब इसमें भी मुझे खुद वैल्यू देनी है और इसमें भी मुझे खुद वैल्यू देनी है। SRC में मैं आपको एक बात बता दूं, SRC में आप URL दे सकते हैं, यहाँ आपके पास इंटरनेट पे कोई भी इमेज है, आप किसी भी वेबसाइट पे जाओगे आपके पास कोई वहाँ इमेज है, आप उसका लिंक कॉपी करो यहाँ पे लाके पेस्ट कर दो डायरेक्टली, सिंपली कुछ भी नहीं करना हो। इसके अलावा SRC में आप क्या कर सकते हो, आपके सिस्टम के अंदर कोई इमेज है, मिसाल के तौर पर आपकी आपकी किसी भी फोल्डर में आपकी इमेज है, आप वो फोल्डर पे जाओ, फोल्डर पे जाने के बाद फिर मैं आपको इसका प्रैक्टिकली करके मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे आप इसे ऐड कर सकते हैं। अच्छा, ये यहाँ पर आप देखते हैं, यहाँ पर ये मेरे पास एक इमेज है, इसे मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूँ, ये देखो ये एक इमेज है। अब इसे मैं यहाँ ऐड करना चाहता हूँ, मैं इसका पहले तो नाम चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे मैंने इसका नाम ब्लू कर दिया, ठीक है। तो अब ये जो इमेज है ये मेरे पास इस फोल्डर में नहीं थी, पहले किसी और फोल्डर में थी, अब ये देखो इसके अंदर मैंने ये इमेज को कॉपी कर दिया, ये देखो यहाँ पे इमेज पहले नहीं थी, ये यहाँ से मैंने किसी और ड्राइव में से मैंने यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिए, अब मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे मुझे इजी वे हो जाएगी डायरेक्टरी बताने के लिए। अब SRC में मैं यहाँ पे इसका पहले तो नाम दे देता हूँ ब्लू। अब यहाँ पे मुझे आगे इसका फॉर्मेट बतानी पड़ेगी कौन सी फॉर्मेट में, ये मैं वापसी इमेज पे जाता हूँ, इमेज पे यहाँ पे अभी मैं इसे राइट क्लिक कर लेता हूँ। अब ये यहाँ पे टाइप पे भी ये बता रहे PNG फाइल में, यानी कि PNG फॉर्मेट में, ये मैं कंफर्म करने के लिए राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी में आया, प्रॉपर्टी में आने के बाद यहाँ पर मैं डिटेल में आ जाता हूँ, डिटेल में आने के बाद ये देखें .png है PNG फॉर्मेट में, तो मैं यहाँ पे .png लगा देता हूँ, फाइल पर आया यहाँ पर .png, ये देखें मैंने जैसे ही डॉट लगाया यहाँ पे पी टाइप किया, यहाँ पे इसने मुझे खुद ब खुद बता दिया भाई ये इमेज है यहाँ पे अवेलेबल है। अब इसकी मुझे लोकेशन देने के लिए इतनी कोई मुश्किल पेश नहीं आई, इसीलिए मैंने आसानी से सिंपली ब्लू लिखा और डॉट आगे फॉर्मेट लगा दिए। अगर ये फाइल कोई और होती ना, फिर वहाँ से मैं इसकी पूरी डायरेक्टरी को कॉपी करता, वहाँ से डायरेक्टरी को कॉपी करने के बाद फिर यहाँ पे मैं आके SRC में आके पेस्ट कर देता, फिर जाके वो समझ पाता कि भाई फाइल की लोकेशन ये है, फाइल यहाँ से मुझे उठानी है। अब ये देखो मैं यहाँ से इसे जैसे ही अब यहाँ पर आता हूँ, इमेज तो मैंने ऐड कर ली है, यहाँ पर मैं यहाँ पर आके इसे रिफ्रेश कर लेता हूँ पेज को, ये देखो इमेज ये आ रही है, ये देखो इमेज यहाँ नीचे आ रही है, ठीक है।
अब मैं आपको एक और तरीका बता देता हूँ। अब देखो यहाँ पे ये मैंने कम्प्लीटली लर्न HTML फोल्डर के अंदर इमेज भी है और ये HTML फाइल भी है, CSS भी फाइल है। अब मैं यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ, इस फोल्डर को नाम दे देता हूँ रेड। रेड मैंने इस फोल्डर को नाम दे दिया और ये जो ब्लू इमेज है ना ये इसको इसके अंदर कर देता हूँ। कॉपी किया नहीं बल्कि कट किया और यहाँ पे मैं ला के पेस्ट कर देता हूँ। ये देखो अब यहाँ पर ये नहीं आएगी, अब ये इमेज जो है ना ये वर्क नहीं करेगी। अब ये देखो इमेज यहाँ पर है ना, अब मैं इसे पेज को रिफ्रेश कर लेता हूँ, ये देखो वर्क नहीं करी। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, अब मैं इसे यहाँ पे इसका रेड नाम दे देता हूँ, रेड नाम दिया। अब मुझे यहाँ पे स्लैश लगाना पड़ेगा, यहाँ पे जैसे ही मैंने स्लैश लगा दिया ना ये देखो इसने मुझे यहाँ पे ब्लू डॉट PNG नाम करके दे दिया। अब इसे पता चल गया भाई ये इमेज है। अब हम पेज को रिफ्रेश कर लेते, अब देखो अगेन वो इमेज वापसी आ गई यहाँ पर। और अब हम बात कर लेते हैं alt के बारे में। तो alt क्या काम करते हैं इसमें एट्रीब्यूट, ये alt हमें इसलिए लगाना पड़ता है क्योंकि अगर आपके पास मान लो कि ये इमेज शो नहीं हो रही, आपका सर्वर जो है ना, आपने जहाँ डेटाबेस क्रिएट करके, आपने जहाँ पे सर्वर पे फाइलें अपलोड करके रखी हैं, होस्टिंग करी है आपने, जिधर अपनी वेबसाइट की जिधर भी आपने कभी आपने जिधर किधर भी आपने होस्टिंग करी है, वहाँ पर जो फाइल है ना, आपकी इमेज फाइल है या कोई भी फाइल है, वो आपकी अगर लोड नहीं हो रही तो आपको जो alt में लिखा हुआ है ना वो आपको वहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। यानी कि अगर नेट किसी का नेट कभी कभार ऐसा होता है सर्वर स्लो हो जाता है, सर्वर डाउन हो जाता है, कभी ऐसा होता है कि जो यूज़र होता है उसका नेट स्लो होता है, इसकी वजह से फिर इमेजेस नहीं आती। अब मैं यहाँ पर alt में लिखता हूँ प्लीज़ चेक योर नेटवर्क। अब मैंने alt में क्या लिख दिया, प्लीज़ चेक योर नेटवर्क। अब जैसे ही कोई बंदा वेबसाइट पर आता है उसे ये इमेज शो नहीं होती, ठीक है, तो उसके बदले में ये आ जाएगा प्लीज़ चेक योर नेटवर्क, ये लिखा हुआ आ जाएगा। देखना यहाँ पर अभी तो कुछ भी नहीं आएगा, ये देखो अभी तो कुछ भी नहीं आया क्योंकि अभी तो नेट ओके वगैरह सब ओके चल रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसे चेंज कर देता हूँ, ब्लू नहीं दिखता यहाँ पे, मैं ब्लू का ई रिमूव कर दिया मैंने, ठीक है, ई रिमूव किया। अब यहाँ पे देखना क्या आता, ये देखो प्लीज़ चेक योर नेटवर्क आ रहा है यहाँ लिखा। अब यहाँ पे देखो सातवें इमेज का आइकन भी आ गया। अब यहाँ पे उसके नेटवर्क का भी, यूज़र के नेटवर्क का भी मसला हो सकता है, यहाँ पर आपको हो सकता है सर्वर पे भी डाउन हो, कुछ भी हो सकता है, कोई भी एनीथिंग, कोई भी मसला हो सकता है, इस वजह से इमेज शो नहीं होती कभी कभी। अब यहाँ पर मैं दूसरी इमेज एक ऐड करके देखता हूँ, ये रेड फोल्डर में मैंने यहाँ पर एक इमेज ऐड करी है, क्रोम लोगो ऐड किया मैंने यहाँ पर, और इसका मैंने नाम दिया हुआ है क्रोम। इसकी एक्सटेंशन चेक कर लेता हूँ, फॉर्मेट कौन सी है, प्रॉपर्टी में आए, यहाँ पर डिटेल पर आ जाता हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं .png है, .png। अब यहाँ पर मैं आ जाता हूँ वेबसाइट कोड ओपन, विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लिया मैंने यहाँ पर। अब यहाँ पर ये देखो इसने मुझे पहले सजेस्ट कर दिया भाई chrome.png नाम की है, सिलेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पर मैं ये नहीं करता, मान लो अब यहाँ पर मैं अगेन रेड कर देता हूँ, रेड नहीं बल्कि ब्लू, ये देखो जैसे यहाँ पर मैंने बी टाइप किया इसने मुझे सजेस्ट कर दिया, लेकिन मैंने अभी यहाँ पर क्रोम करनी है। अब ये देखो ठीक है, अब मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ, ये देखो आप देख सकते हो। अब यहाँ पे मैं alt में लिख देता हूँ, यहाँ पे क्रोम लोगो लिख देता हूँ, यहाँ पे मैंने यहाँ पे alt में मैंने लिख दिया क्रोम png लोगो, ठीक है। अब यहाँ पे देखना ये इमेज तो लोड नहीं होगी, यहाँ पे मैंने m रिमूव कर दिया क्रोम का। अब यहाँ पे ये एरर दिखाएगा और साथ में जब यूज़र हो, जब आएगा ना वेबसाइट पे, वो जब अगर उसका नेट स्लो होगा या सर्वर हमारा कोई डाउन हुआ या किसी भी वजह से कोई मसला क्रिएट हुआ, तो वो यूज़र को एक बात पता चल जाएगी कि भाई यहाँ पे क्रोम का लोगो है, ये इमेज में क्रोम का लोगो है। अब ये कैसे पता चलेगा ये अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो क्या लिखा हुआ आ रहा है, इमेज का आइकन बना हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है क्रोम png लोगो। अब यहाँ पे यूज़र को एक बात समझ आ जाएगी png लोगो है ये। विड्थ में से दे देता हूँ 100 पिक्सल दे दिया। अभी पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ इसका साइज़ क्या है, ये देख सकते हैं, ठीक है। अब इसका साइज़ देख रहे हैं आप, तो अब मैं यहाँ पे इसे लगा देता हूँ। अब यहाँ पर मैं इसे टर्मिनेटर क्लोज कर देता हूँ, अब यहाँ पे मैं इसे टर्मिनेटर लगा देता हूँ, यहाँ सेमी कोलन लगा देता हूँ। अब मैं यहाँ पे इसे हाइट दे देता हूँ, विजुअल स्टूडियो कोड ने मुझे यहाँ नीचे सजेस्ट कर दिया, सिंपली मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर कर देता हूँ 100 पिक्सल।
हाइट और वेट मैंने 100 पिक्सल की है। अब मैं इसे चेक कर दूँ ये कैसा दिखता है, हो सकता है तो बाद में मैं चेंज भी कर दूँगा इसे। ये देखो ये छोटा हो गया, ठीक हो गया 100 पिक्सल। ऐसे मैं ऐसा करता हूँ थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ, इसे मैंने 50 कर दिया और इसको मैं 100 ही रखने देता हूँ। अच्छा नहीं लगा यार 100 रहने दिया, तो इसे मैं ऐसा करता हूँ 70 कर देता हूँ, चेक करता हूँ। ये देखो अभी भी ठीक नहीं है, इसे भी 50 कर देता हूँ। अब देखो अब ठीक है ये। और दूसरा जो तरीका आपका वो ये है कि यहाँ पर अभी मैं इमेज टैग है ना, इमेज टैग यहाँ से मैं विड्थ रिमूव कर देता हूँ, ये मैंने कर दी यहाँ से रिमूव। अब ये जो इमेज टैग है ना, इमेज टैग से मैं यहाँ चेंज कर देता हूँ। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो इमेज ये आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ इमेज, इमेज आ गई। यहाँ पे मैं कर्ली ब्रैकेट ओपन और क्लोज कर लेता हूँ, इंटर प्रेस किया। यहाँ पे मैं विड्थ दे देता हूँ कितने, 50 पिक्सल मैंने यहाँ पे विड्थ कर दी। और यहाँ पे मैं हाइट दे देता हूँ 50 पिक्सल, 50 पिक्सल हाइट दे दी। अब ये भी वही काम करेगा, अब ये देखना ये अगेन जैसे पहले था वैसे ही हो जाएगा छोटा। यहाँ पे पहले जो मैंने हमने HTML में जो एडिटिंग करी थी कोड के थ्रू, यहाँ पे चेंज किया था, यहाँ पे विड्थ लगा के हाइट लगा के जो हमने किया था, अब ये काम CSS भी वही करेगा। अब ये देखें मैं यहाँ पे पेज को करता हूँ रिफ्रेश, ये देखो हो गया वैसे ही हो गया पहले जैसा, ठीक हो गया। अभी ये हमारी CSS की क्लासिंग नहीं है, ये अभी हमारी CSS का कोर्स नहीं है, ये HTML का कोर्स है। लेकिन ये है कि HTML के बारे में बताने के लिए थोड़ा बहुत मुझे CSS का भी आपको बताना पड़ेगा साथ साथ। हाँ जब CSS का कोर्स मैं लेकर आऊँगा फिर मैं आपको उसके CSS के बारे में A to Z बता दूंगा। और एक बार नोट करी होगी, इमेज टैग ओपन टैग है, क्लोजिंग टैग है ही नहीं है इसका कोई। यहाँ पे जैसे बॉडी टैग क्लोज हो रहा है इस तरह का, यहाँ पे कोई इमेज टैग क्लोज है ही नहीं है। अगर आप लगाना चाहो तो लगा सकते हो, कोई मसला नहीं है, लेकिन वैसे होता नहीं है इसका क्लोजिंग टैग। मैं आपको ये दिखा देता हूँ कैसे आप लगाओगे। ये देखो मैंने यहाँ पे लेस देन का साइन लगाया और यहाँ पे मैंने डैश लगा के बॉडी आ गया ये। इमेज कर दिया मैंने यहाँ पर, अब यहाँ पे मैंने इमेज कर दिया। अब मैं इसे अगेन रिफ्रेश कर लेता हूँ, ये देखो कोई फ़र्क नहीं आया, कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा अब मैं यहाँ पे जो टाइप करूँगा वो अब आपके यहाँ पे फ़र्क कर देगा। यहाँ पे ये है कि ये टाइप हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं मान लो यहाँ पे टाइप कर देता हूँ क्रोम। अब क्रोम मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया, ये देखना ये भी ब्राउज़र में शो हो जाएगा, यहीं कहीं आगे पीछे क्रोम ब्राउज़र के ऊपर नीचे आ जाएगा ये। ये देखो ये भी यहाँ नीचे आ गया। अच्छा अब मैं आपको बताने वाला हूँ ये इमेज टैग का दूसरा तरीका भी है एक लगाने का, वो आप कैसे लगा सकते हैं। उसमें यह है कि आपको इमेज जो है ना ये कंप्लीट लिखना पड़ेगा। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, लेस देन का साइन लगाने और यहाँ पर आपको टाइप करना है इमेज और यहाँ पर आपको टैग क्लोज करने। टैग जैसे ही क्लोज करेंगे विजुअल स्टूडियो कोड का मैं आपको बता रहा हूँ, तो आपके यहाँ पे इमेज क्लोज टैग आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको वही काम करना है जो आपने वहाँ पे सिर्फ टैग चेंज है, वहाँ पर यह था दूसरी जो पहला तरीका का मैंने आपको बताया उसमें यह था कि IMG लिखा हुआ था यहाँ, और यहाँ पर आपको यह है कि IMAG मिल जाएगा, AGE मिल जाएगा। ई और ए नहीं था उस टैग में, इसमें ए और ई दोनों है। यहाँ पर आपको SRC देना होगा, SRC में आप अपनी लोकेशन बता सकते हैं फाइल की। मैं यहाँ पे फाइल की लोकेशन बता देता हूँ, यहाँ पे मैं इमेज चेंज कर देता हूँ, ब्लू कर देता हूँ, यहाँ पे ब्लू कर दिया मैंने यहाँ पे। ये काफ़ी छोटी है, दिख नहीं रही ठीक से। यहाँ पर भी मैंने यहाँ इन दोनों को मैंने 1000 कर दिया। अब ज़रा चेक करते हैं क्या सीन है। ये देखो साहब, ये देखो भाई, ये तो काफ़ी अजीब धुंधला दिख रहा है। PNG फॉर्मेट में है ना ये, इसके बावजूद ये ऐसे दिख रही है। आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, आप दूसरे तरीके।
अच्छा अब यहाँ पे alt भी लगा लेते हैं, alt attribute भी दे देते हैं, इज इक्वल टू डबल कोट, इसमें एरर कर दिया मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे ब्लू का ई रिमूव कर दिया मैंने यहाँ पे। अब देखें, ये देखो भाई, ये भी वर्क कर रहा है, ठीक है। देखो दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया, दो तरीके थे इमेज ऐड करने के, एक ये था और एक दूसरा था। तो इमेज टैग के बारे में हो गया, अब हम बात कर लेते हैं वीडियो टैग के बारे में। तो वीडियो टैग का मैं पहले यहाँ पे कोड टाइप कर लेता हूँ, जैसे इमेज टैग का था वैसे ही वीडियो टैग के। वीडियो टैग में यह है कि आपको कंप्लीट लिखा हुआ मिल रहा है, वीडियो इमेज में बस आपको इतना लिखा हुआ मिल रहा था, वीडियो में आपको कंप्लीट लिखा हुआ मिल रहा है, टैग में बस इतना सा फर्क डिफरेंस है। तो वीडियो में यह है कि आपको यहाँ पे SRC भी मिल जाता है, वीडियो इमेज में भी आपको SRC मिल जाता है, और यहाँ पर आपको इमेज में alt मिला था यहाँ पे, लेकिन आपको alt नहीं मिला। आप चाहो तो यहाँ पे alt अपने से लगा सकते हो आप। लेकिन वीडियो को ऐड करने से पहले मैं आपको एक कुछ बात बताना चाहता हूँ कंट्रोल के बारे में, लेकिन कंट्रोल अभी नहीं, मैं आपको बाद में बताता हूँ। अभी मैं यहाँ पे सिंपली इसका SRC देता हूँ। ये मेरे पास एक वीडियो पड़ी है नॉट वर्किंग, ये वीडियो थोड़ी सी प्ले करके आपको दिखा देता हूँ। हेलो फ्रेंड, वेलकम यूट्यूब चैनल फ्रेंड। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, ये विंडो 10 में विंडो सर्च बार काम नहीं कर रहा है। ये देखिए, हमने यहाँ पे अब ये वीडियो मैं अब यहाँ पे लगाने वाला हूँ। तो इससे पहले मैं राइट क्लिक करता हूँ, रीनेम करता हूँ, नाम इसका मैंने कॉपी कर लिया। नाम कॉपी करने के बाद यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे इसकी फॉर्मेट देने से ये देखिए। अच्छा, ये भैया .mp4 की फॉर्मेट थी और इसने पहले ही बता दिया MP4। अब मैं यहाँ सिंपली क्लिक करता हूँ, ये अपनी वेबसाइट पे आता हूँ, यहाँ पे थोड़ी सी लोडिंग होगी, टाइम लेगा। ये देखो इतनी लंबी चौड़ी ये वीडियो आ रही है। देखो इसमें एक मसला है, वीडियो की लेंथ और वीडियो की विड्थ बहुत ज़्यादा आ गई है। मैं से पहले तो विड्थ कम करता हूँ इसकी, आप ऐसा सी में वीडियो विड्थ 400 पिक्सल मैंने यहाँ पे विड्थ कर दी। अब ठीक नहीं, अभी भी नहीं ठीक। पिक्सल की मैंने यहाँ पे विड्थ कर दी, लेकिन आपने एक चीज़ नोटिस की होगी यहाँ पे, ये देखो आप, यहाँ पे हम ये वीडियो प्ले नहीं हो रही, यहाँ पे प्ले करने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। ये क्यों नहीं है, ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। ये देखो, वीडियो स्टार्ट करने से पहले इससे SRC एट्रीब्यूट से पहले एक और एट्रीब्यूट आएगा यहाँ पे, कंट्रोल, कंट्रोल्स का एट्रीब्यूट ही से ये वीडियो प्ले होगी और ये चलेगी। ये देखो, जैसे मैंने यहाँ पे सी लिखा, यहाँ पे इसने मुझे सजेस्ट कर दिया, यहाँ पे कंट्रोल्स आ रहे हैं, इस पे मैं क्लिक कर देता हूँ। इसकी वैल्यू डबल कोड में इसकी वैल्यू कंट्रोल कर दो, इसकी वैल्यू कंट्रोल दोगे, अब ये प्ले होगी। अब ये देखना प्ले भी होगी, ये देखो। हेलो फ्रेंड, वेलकम यू, कंट्रोल लगाना लाजमी है। देखने वाले हैं, ये विंडो 10 में विंडो सर्च बार काम नहीं कर रहा है। ये देखिए, हमने यहाँ पे किया, यहाँ पर हम कुछ भी टाइप कर, अगेन और बता देता हूँ, यहाँ पर आपको टाइप करना है वीडियो, वीडियो टाइप करेंगे आपके पास इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। SRC इज इक्वल टू डबल कोड, आप SRC के अंदर वीडियो की लोकेशन बताएंगे, वीडियो की लोकेशन बताने के बाद आप बैक आएंगे, वीडियो के बाद आपको यहाँ पर टाइप करना है कंट्रोल्स, कंट्रोल जैसे आप टाइप करेंगे इसकी वैल्यू देंगे आप, इज इक्वल टू लगाएंगे, फिर आप डबल कोट के अंदर इसकी वैल्यू देंगे, वैल्यू क्या देंगे, वैल्यू के अंदर आपने कंट्रोल्स ही देने, आपने कुछ भी नहीं देना, सिर्फ कंट्रोल्स देने आपने। अब यहाँ पे भी कंट्रोल देंगे, फिर ये वीडियो देखें एज इट इज़ आ जाएगी। अच्छा, फुल स्क्रीन का भी ऑप्शन है यहाँ पर। हेलो फ्रेंड, अच्छा अब मैं यहाँ पर आपको कुछ और एट्रीब्यूट बता देता हूँ, इसे मैं यहाँ पे कमिट कर देता हूँ, इसे मैं यहाँ पे कमिट कर दिया, हम इसी पे काम करते हैं। यहाँ पर और एट्रीब्यूट लगा देते हैं, ऑटो प्ले का भी एट्रीब्यूट है यहाँ पर,
अच्छा यहाँ पर एक ऑटो प्ले का, ऑटो प्ले का एट्रीब्यूट मैं आपको बता देता हूँ, ये देख सकते हैं ऑटो प्ले। अच्छा ऑटो प्ले में ये है कि ऑटो प्ले की जो वैल्यू होगी वो भी ऑटो प्ले होगी, और ऑटो प्ले से यानी कि खुद ब खुद चलेगी। जैसे ही आप पेज को रिफ्रेश करेंगे, जैसे ही कोई यूज़र पेज पे आएगा, वो फौरन खुद ब खुद वीडियो प्ले होने लग जाएगी। तो यहाँ पे हमने इजी कोड लगाया, डबल कोड लगाया, यहाँ पे कर देते हैं ऑटो प्ले, यहाँ पे हमने ऑटो प्ले कर दिया, यहाँ पर हमने कर दिया पेज को रिफ्रेश। म्यूटेड का देख के देते हैं ज़रा, वेट ये ज़रा चेक करते हैं इसका होता है कि नहीं होता। अब ये देखें म्यूटेड भी हो रहा है, ऑटो प्ले भी हो रहा है। लूप लगाते हैं, लूप का एट्रीब्यूट लगाते हैं, लूप की वैल्यू देते हैं, इसे एंटर प्रेस करते हैं। लूप भी काम कर रहा है इधर। अब यहाँ पर म्यूटेड काम नहीं कर रहा, म्यूटेड का एक सेकेंड रिमूव कर देते हैं, म्यूटेड रिमूव किया। अब देखते हैं, हेलो फ्रेंड, अभी ऑटो प्ले भी नहीं हो रहा। म्यूटेड अब प्ले करते हैं, म्यूटेड तो हो गया। यहाँ पर हम कुछ भी टाइप करें तो टाइप होगा, हम इसको ओपन कर लेते हैं। हेलो फ्रेंड, वेलकम यूट्यूब चैनल फ्रेंड, आज के लूप काम कर रहा है लेकिन यहाँ पे म्यूटेड काम नहीं कर रहा। अगर म्यूटेड काम करेगा तो फिर ऑटो प्ले काम नहीं करेगा। हेलो फ्रेंड, वेलकम, तो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे ऑडियो टैग के बारे में। वीडियो टैग के बारे में मैंने आपको बता दिया, इमेजेस टैग के बारे में मैंने आपको बता दिया, और अब हम बात कर लेते हैं ऑडियो टैग के बारे में। तो ऑडियो टैग में आपको यहाँ पे टाइप करना है AUD। ये देखिए मैंने अभी यहाँ पे कंप्लीट टाइप भी नहीं किया, उसने मुझे सजेस्ट कर दिए, तो यहाँ पे मैं सिंपली ऑडियो पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे मैं इसकी ऑडियो फाइल की लिंक दे देता हूँ, ये देखिए ये फ्री म्यूज़िक नाम से ये मेरी ऑडियो फाइल है। अच्छा ये फाइल भी मेरी इसी फोल्डर के अंदर है, कम्प्लीटली लर्न HTML नाम के फोल्डर के अंदर ये मेरी फाइल है। तो मैं इस पर यहाँ क्लिक करता हूँ, इसे रीनेम कर देता हूँ, या इसका नाम कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी कर लिया एज इट इज़ नाम। इसका कॉपी होने के बाद अब मैं यहाँ पे कंट्रोल वी करके पेस्ट करके अब इसकी राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में आ जाता हूँ। फॉर्मेट चेक कर लेते हैं पहले इसका, MP3 है, लेकिन फिर भी कंफर्मेशन के लिए देख लेते हैं। तो यहाँ से हम इसे कट कर देते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं फॉर्मेट डॉट, ये देखिए इसने हमें पहले ही सजेस्ट कर दिया। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे, तो इसी तरीके से आपने यहाँ पे ये एज इट इज़ में यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल एट्रीब्यूट लगाया हुआ है, यहाँ पे इसके अंदर हमने वैल्यू दे दी कंट्रोल, जैसे हमने वीडियो में दिए इसी तरीके से हमने ऑडियो में भी कंट्रोल दे दिया। ये मैंने इसके थोड़े से म्यूज़िक साउंड कम कर दिए, ये मेरे पास नो कॉपीराइट म्यूज़िक है एक। अब यहाँ पे एक लूप का एट्रीब्यूट है, अब ये यहाँ पर भी हम लगा सकते हैं, ऑटो प्ले का, अब ये भी यहाँ पे लगा सकते हैं, सेम एज इट इज़ वीडियो वाला सीन है जो आपको मैंने समझाया था ना वीडियो में, बस वीडियो टैग है, इसमें यहाँ पे ऑडियो टैग आ जाएगा। कंट्रोल इसमें भी है, कंट्रोल इसमें भी है, लूप इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आप लगाना चाहो तो लगा सकते हो। तो अब मैं यहाँ से एज इट इज़ ये कॉपी कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे ला के कंट्रोल वी करके पेस्ट कर देता हूँ, मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब यहाँ मैं पेज को रिफ्रेश कर लेता हूँ, ये तो प्ले हो गई लेकिन ये प्ले नहीं हुई, इसे हमें प्ले करना पड़े। आप ऑटो प्ले का एट्रीब्यूट लगाएंगे, उसकी वैल्यू ऑटो प्ले रखेंगे तो आपके पास शायद हो सकता है प्ले हो जाए ऑटो प्ले। यहाँ पे मेरे पास तो नहीं हो रहा फ़िलहाल, आपके पास क्या पता हो जाए, आप ट्राई कर सकते हैं। आप प्रैक्टिस करेंगे ना, प्रैक्टिस में आपको पता चल जाएगा। अगर आपके पास ये ऑटो प्ले नहीं हुआ ना तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं फिर इसको कोशिश करूँगा फिक्स करने की। तो आज की वीडियो में हमने इतना ही सीखा, तो कल की वीडियो में हम और आगे बात करेंगे। फ्रेंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। ओके फ्रेंड, गुड बाय।